डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा है, किया है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 8.1 के सभी क्वेश्चंस को देखा है दोस्तों। अगली जो एक्सरसाइज है वो 8.2 है। अब 8.2 हम लोगों को तभी समझ में आएगा जब उसके रिलेटेड कुछ थ्योरी, कुछ फार्मूला हम लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके पहले हम लोग कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे तरीके से एक टेबल अभी हम लिखवा रहे हैं। क्या है ये टेबल? और ये आपको अच्छे तरीके से रिमेम्बर कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका जिक्र ही नहीं किया जा सकता, यानी कि दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआई पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो वीवीआई क्यों है। क्योंकि दोस्तों, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 8.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगी वो इसी फार्मूले पे रहेंगी, और आपको इन फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करने चाहिए, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से टेबल में हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल 6 तरीके का ट्रिगोनोमेट्री होते हैं। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। और उसके बगल में थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री कितने तरीके के होते हैं भाई? यही 6 तरीके के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। एक तरफ इधर जो दिया है उधर क्या दिया है? ट्रिगो, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ना। नीचे जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? त्रिकोणमिति, हिंदी में लिख लीजिए त्रिकोणमिति दिया हुआ है, त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति दिया हुआ है। कितने तरीके का त्रिकोणमिति होते हैं? 6 तरीके का, 6ों का नाम लिखा हुआ है। इधर आपको कोण दिया है, कोण, ठीक है। अब आपको याद रहना चाहिए, हम लोग जैसा कि पढ़े हुए हैं कि ये साइन के जो बगल में लिखा रहता है वो क्या है? कोण होता है, कोस थीटा, थीटा मतलब क्या? कोण, टेन थीटा, थीटा मतलब क्या? कोण, कॉसेक थीटा, थीटा मतलब ही क्या? कोण। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये थीटा क्या है? कोण है। और अगर हम लोग कोण का बात करें तो कोण जो होता है वो कितना कितना डिग्री पे लिया जाता है? तो कोण जो होता है 0 डिग्री पे लिया जाता है, 30 डिग्री पे लिया जाता है, 45 डिग्री पे लिया जाता है, 60 डिग्री पे लिया जाता है और 90 डिग्री पे लिया जाता है दोस्तों। यानी जो कोण होता है वो कितना कितना डिग्री पे होता है? 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। कोई बोलेगा कि क्या 20 का नहीं होता है? अभी हम लोगों के लिए 20 का नहीं होता है, जब आगे की क्लास में आप जाएंगे, अगले क्लास में 11th में, तो आपको हर किसी चीज का वैल्यू पता होगा।
लेकिन क्लास टेंथ में आप सीखेंगे या आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों का एंगल कोण जो होता है वो कितना कितना डिग्री पे होता है। तो 0 डिग्री, उसके बाद तुरंत 30 डिग्री, इसके बीच में का मान आपको याद नहीं रखना है, झंझट नहीं करना है। 0 पे होता है, फिर 30 पे होता है, फिर 45 पे होता है, फिर 60 पे होता है और फिर 90 पे होता है। यानी कि कुल मिलाकर हमको समझ में आया कि त्रिकोणमिति तो भाई 6 गो होता है, लेकिन उस त्रिकोणमिति में जो कोण का उपयोग होता है वो 0 डिग्री के कोण बनाता है या फिर 30 डिग्री के कोण हो सकता है या 45 डिग्री का कोण हो सकता है या 60 डिग्री का कोण हो सकता है या पूरे 90 डिग्री का कोण हो सकता है। यानी कि जो कोण होता है वो 0 से लेकर 90 होता है, 0 डिग्री, नहीं तो फिर 30 डिग्री, नहीं तो फिर 45 डिग्री, नहीं तो फिर 60 डिग्री और नहीं तो फिर 90 डिग्री। दोस्तों शुरू वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, याद रखिएगा। साइन 45 डिग्री का, देखिए ऊपर डिग्री लिखा हुआ है, ये डिग्री है, डिग्री मतलब कोण, 0 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, पढ़े होंगे ना आप, तो वैसे ही याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है तो 1। देख लो भाई, अगर आप शुरू वाला याद कर लिए, इसको आप याद कर लिए, तो पांचों का याद करने का झंझट नहीं है। अब ट्रिक समझो कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। जब आप साइन का याद कर लिए तो कोस का कोई झंझट नहीं है, ये 0 से लेकर 1 स्टार्ट है ना। अब की साइन का जो है उसको उलट के लिख दीजिए, यानी कि 0 से शुरू हुआ है ना, अब की 1 से शुरू कीजिए, 1, फिर ई वाला यहां लिखिए √3/2, फिर ई वाला तो अपने जगह पे आएगा 1/√2, फिर ये वाला 1/2 और ये शुरू में 0 तो अंतिम में 0। देख लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, कि अगर आपको साइन का याद हो गया तो कोस का भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट है ये फर्स्ट से शुरू हो रहा है, इसका जो लास्ट है फर्स्ट से शुरू हो रहा है। अगर हमसे आज के बाद कोई पूछेगा कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस में 30 डिग्री बताइए, तो कोस में जाना है 30 डिग्री के नीचे लिखना है √3/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का कितना होता है, तो साइन 45 का 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी कि साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू कितना हो, दोनों का बराबर होता है। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ये एंगल सबके लिए उतना ही होता है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि टेन 25 का बताओ, हम बोलेंगे भाई अब मेरे औकात नहीं है, तुम ही बता दो ना भाई, हम क्लास 10th में, हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है,
आप अगली क्लास में जाओगे ना वहां पे आपको हम सिखा देंगे पूरा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी जो हम लोगों को जानना जरूरी है, जो एग्जाम में आता है, जो पूछता है, उतना ही जानना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेन रहे चाहे कॉसेक रहे चाहे सिक रहे, सबका जीरो डिग्री का मान हो सकता है, 30 डिग्री का मान कुछ न कुछ हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन दोस्तों आपको शुरू वाला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, शुरू वाला रखना ही पड़ेगा। अब देख लो आपको करना क्या है, सिंपल सा बात है। आपको क्या करना कि साइन का वैल्यू याद रख लेना है, साइन जीरो का जीरो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। जब साइन वाला पूरा याद हो गया तो आपको याद रख लो मन में कि अच्छा साइन 90 वाला 1 होता है, तो 1 अगर यहाँ आएगा तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। अगर हमको याद है कि साइन 60 ना होता है √3, तो इसको इधर लाएंगे तो वही होगा, यानी कि √3/2। जो साइन 60 में होता है वो कोस में 30 में आएगा, क्योंकि पलट दिए हैं, उल्टा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइन और कोस का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद अगर टेन का पूछेगा तो इसका साइन और कोस का भाग कर देंगे। देख लीजिए साइन थीटा में कोस थीटा से अगर भाग कर देते हैं तो निकल जाता है टेन थीटा। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जीरो में कोई सा भी अगर नंबर से भाग करते हैं तो जीरो होता है। 0/100 जीरो, 0/100,000 जीरो, 0/55 जीरो, यानी कि जीरो ऊपर रहेगा, नीचे कोई सा भी नंबर रहेगा उसका वैल्यू जीरो होता है। तो अगर हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो साइन और कोस दोनों का याद रहेगा तो हम निकाल पाएंगे। साइन देख लो जीरो है और कोस थीटा का वैल्यू 1 है, तो 0/1, 0/1 तो कितना होगा 0। और साइन थीटा और कोस थीटा में भाग देने से टेन निकलता है। ये सब ट्रिक है भाई, याद कर लेना। साइन में कोस से जब भाग करते हैं तो भाग करके क्या निकलता है, टेन थीटा निकलता है। अब हमसे टेन 30 का बोलेगा तो साइन 30 वाला और कोस 30 वाला का भाग कर देंगे, तो भाग करते करते 2 और 2 नीचे वाला खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। 1/√3 कब, क्योंकि नीचे नीचे वाला खत्म, जब डिवाइड करते हैं तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट होता है, नीचे नीचे वाला सेम सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, तो खाली ऊपर वाला बच गया 1 और √3। नीचे वाला भी देख पा रहे होंगे √2 खत्म हो गया जब भाग कर रहे थे, तो 1 और 1 बच रहा है, तो 1 और 1 का मतलब 1/1 लिखिए, चाहे तो इसी को 1 बोल दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो जब हम लोग भाग करेंगे ऊपर वाला में से नीचे वाला से, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो √3 में 1 से भागा देंगे तो √3/1 ना आएगा, और इसी को खाली √3 भी तो बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों tan 60 का वैल्यू √3/1 बोलिए, या फिर सीधा सीधी √3 बोल दीजिए। tan 90 का वैल्यू कितना होता है आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि अगर ऊपर 0 रहा और नीचे नंबर रहा तब उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन ऊपर अगर कोई नंबर रहा और नीचे अगर 0 रहा तो इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके 8 आप ऐसे लिखते हैं ना, 8, 7, जब इसी 8 को पलट के लिख देना है ऐसे, तब हम इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है,
इसका वैल्यूए नहीं निकाला जा सकता है, समझना। तो इसको हम लोग नंबर ऊपर रहेगा और नीचे जीरो रहेगा तो अपरिभाजित। देख लो कोई ऊपर नंबर एक है चाहे एक करोड़ रहे, और नीचे में जब जीरो रहे भाग करना है तो इसका वैल्यू अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। तो दोस्तों आज से अगर आपको कोई पूछे कि टेन जीरो का मान कितना, तो जीरो। टेन तीस का मान कितना, तो एक बटा में रूट थ्री। टेन पैतालीस का वैल्यू कितना, तो एक। कितना करना है, एक, क्योंकि एक बटा एक बोलने से अच्छा है सीधा एक के बारे में एक बोल देंगे, बात तो बराबर है। टेन साठ का वैल्यू कितना होता है, तो हम रूट थ्री बटा एक कहला उतना घुमा के बोलेंगे सिर्फ रूट थ्री। टेन साठ का वैल्यू कितना, रूट थ्री। और टेन नब्बे का वैल्यू कितना, तो इसको कहते हैं अपरिभाषित या अनडिफाइन, ठीक है। चलिए अब टेन का निकल गया, यानी कि सब बात को आप देखिए तो हम लोगों को खाली साइन याद हो जाएगा ना, तो कुछ भी याद हो गया यार, उसको उलट के लिख देना है, पीछे वाला को आगे और आगे वाला को पीछे, ये हो गया कोस। और तुमको याद रखना है कि टेन कैसे निकलता है, तो साइन वाला में और कोस वाला का भाग कर देंगे तो टेन निकल गया। अब जरा देखते हैं कि आगे कैसे निकले। तो अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो यहां पे साइन को पलट देना है। हम पहले भी पढ़े हैं, याद है कि साइन थीटा अगर दोस्तों पी बटा एच होता था तो कॉसेक थीटा कितना हो जाता था, एच बटा में पी, एच बटा में पी। तो वहां पे भी हम लोग याद किए हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉसेक थीटा में पलट जाता है, इसलिए याद रख लो कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। और याद किया होगा तुम कॉस थीटा का वैल्यू बी बटा में एच, याद है। और ये कॉस थीटा का वैल्यू जब बी बाई एच है तो हम लोग याद किए होंगे सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है क्योंकि एच बटा में बी होता है, याद किए हैं हम लोग। वही टेन थीटा का फार्मूला पी बटा बी होता है, हम लोग कॉट थीटा पढ़े कि बी बटा पी होता है, यानी कि देख लो कुछ बात तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों। जब आपको इतना याद नहीं हो पा रहा है कि कौन किसका उल्टा है तब तो ये बहुत फिर भारी पड़ेगा, क्योंकि आप याद रख लो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट। अगर तुम इतना कर लेते हो तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो हम ये बता रहे थे आपको कि अब हम लोगों को और भी तो तीन गो बचा हुआ है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये जीरो है ना, ये जीरो है, तो जीरो को आप जो है पलट दीजिए, जीरो को कर दीजिए क्या, पलट दीजिए, ये जीरो है ना, तो जीरो को तो जीरो बटा एक लिख सकते हैं, लेकिन इसको जब पलटते हैं, याद रखिएगा कि जीरो को पलटते हैं तो अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। जीरो को उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, याद रख लीजिएगा कि जीरो को जब हम पलटते हैं अंश और हर, जानते हैं ना अंश किसको बोलते हैं, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज है ना, ये जीरो, तो जीरो क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन में जीरो है, तो जीरो का ना इसको पलटेंगे तो अपरिभाषित तो होगा। और दूसरी कहानी, ये वन बाई टू है ना भाई, अब वन बाई टू को पलटेंगे, अंश वाला हर हो जाएगा, वो हर वाला अंश, तो वन बाई टू को पलटेंगे तो दो बटा एक हो जाएगा, तो इसको चाहे आप दो बटा एक लिखो चाहे तो दो बोलो, तो सबसे आसान तो दो ना बोलना है, क्योंकि कोई पूछ दिया कि कॉसेक 30 या कॉसेक 30 डिग्री के मान, तो सीधा सीधी दो बोल देंगे, दो होता है, ठीक है।
अगर कॉसेक जीरो पूछेगा तो हम बोलेंगे अपरिभाषित, ठीक है। चलो अब हमको अगला का दिखाना है। तो कॉसेक जो उल्टा होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये एक बटा रूट दो है ना, एक बटा रूट दो। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, तो कितना होगा, पलट के नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो रूट दो और बटा में एक, या फिर हम सीधा सीधे बोल सकते हैं रूट दो, ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़े, तो कोसेक साठ कैसे निकलेगा, तो कोसेक साठ जो निकलेगा वो साइन साठ से निकलेगा भाई, ठीक है, साइन साठ से निकलेगा, क्योंकि साइन साठ का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो कोसेक साठ इसको उलट दीजिए टू बटा रूट थ्री, और वन का तो उल्टा पलटी कीजिए, वन का तो वन ही रहेगा, वन का तो वन ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक थीटा, तो सेक जीरो, अब सेक किसका उल्टा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये वन है, तो अभी हम बताए ना कि वन का उल्टा क्या होता है, वन, रूट थ्री बाई टू का उल्टा क्या होगा यहाँ पर भाई, टू बटा रूट थ्री, वन बटा रूट टू का उल्टा क्या होगा, तो खाली आप लिख दो रूट टू, वन बाई टू का उल्टा क्या होगा, तो टू, और जीरो का उल्टा क्या होगा, तो अपरिभाषित, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक थीटा का भी मान लिख सकते हैं। अब से अगर कोई पूछेगा हमको कि सेक जीरो का मान, तो वन, सेक 30 डिग्री का मान, तो टू बटा रूट थ्री, क्यों, क्योंकि सेक 30 का जब भी पूछेगा ना, तो आप याद रखिए कि हमको कोस 30 याद होना चाहिए, और कोस 30 कब याद हो जाएगा, जब साइन वाला याद हो जाएगा, क्योंकि उसी को ना उल्टा क्रम में लिख दिए हैं, जब उल्टा क्रम में लिख देते हैं तो हम लोगों को कोस थीटा का वैल्यू हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉट थीटा, तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो टैन का, किसका उल्टा होता है, टैन का, तो हम अभी बोले कि जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, वन बटा रूट थ्री, वन बटा रूट थ्री का उल्टा क्या होता है, तो खाली रूट थ्री लिख दे सकते हैं, वन बटा रूट थ्री का उल्टा सिर्फ रूट थ्री, वन का उल्टा सिर्फ वन, रूट थ्री बटा वन है भाई यहाँ पे, इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा, वन बटा में रूट थ्री, और ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये क्या है, अनंत है, ये अनंत है, और दोस्तों अनंत को जब पलटते हैं तो हम लोगों को जीरो मिलता है, याद रखिएगा, अनंत को जब पलटते हैं तो जीरो मिलता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा को हम लोगों को याद रखना है, ऐसा नहीं है कि सवाल में सबका वैल्यू दिया रहेगा, दोस्तों सिर्फ आपसे पूछ देगा कि कॉसेक 30 बताओ, कितना बताओ, कॉसेक 30 का मान बताओ, तो हम बताएंगे कि दो होता है, आपको याद कर लेना है कंठस्थ, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे कैसा भी हाल है, कैसा भी कंडीशन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। आपके लिए हम अभी क्या बताएं कि आपको साइन वाला ऊपर याद रखना पड़ेगा कि कितना डिग्री का मान कितना होता है, और जब भी कोस होगा तो आपको थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में लगाना होगा कि अच्छा हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस 30, ठीक है, तो कॉस 30 पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा इतना, तो ये वाला हो जाएगा, पलटेंगे तो 60 वाला यहाँ आ जाएगा, उल्टा क्रम में लिखेंगे, क्योंकि कॉस को तो उल्टा क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, कॉस को तो उल्टा क्रम में लिखा जाता है, और कॉस को जब उल्टा क्रम में लिखेंगे तो हम लोगों को 30 पूछा जा रहा था, तो 60 वाला 30 पे आएगा उल्टा क्रम में लिखेंगे तो, और जब कॉस लिखा गया तो टैन कैसे लिखाएगा, तो ऊपर वाला में, यानी कि साइन वाला में और कोस वाला में, जिसे हमसे पूछा गया कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो टेन 60 का वैल्यू अगर हमसे कोई पूछ रहा है
तो साइन 60 ऊपर वाला याद होना चाहिए और उसके नीचे कॉस 60 याद होना चाहिए, तो हमको थोड़ा सा शुरू में टाइम लेना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत याद हो जाएगा, आपको दिन रात एक करके याद करना होगा, ठीक है। आपको शुरू में सोचना पड़ेगा, जैसे हमसे कोई पूछ दिया कि 10 60 डिग्री बताओ, तो हम सोचना शुरू करेंगे, अच्छा 10 60 पूछ रहा है ना, तो 10 तो तीसरा नंबर पे आता है, साइन के बाद कोस तब 10, तो साइन और कोस में डिवाइड करना है तब ना 10 निकालेंगे, तो साइन 60 वाला कितना होता है पहले तुमको ये याद रखना पड़ेगा। तो याद होगा कि साइन 60 होता है √3/2 और कोस 60 कितना होता है तो 1/2, क्योंकि उसको पलटते हैं और जब उसको भाग करेंगे तो 2 और 2 कटेगा तो √3/1 यानी कि √3। देख है ना, अगर हमसे कोई पूछ दिया कि सेक 45 कितना, सेक 45 डिग्री का मान बताओ, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का ना, तो तुमको कोस 45 सोचना पड़ेगा और कोस 45 तुम तभी सोच पाएगा जब ऊपर वाला साइन वाला याद रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया बोल सकते हैं ट्रिक, अपने हिसाब से लागू करना पड़ेगा, चीजों को याद रखना पड़ेगा कि कौन किसका उल्टा होता है, और फिर हम लोगों याद करेंगे तभी हम लोग एक्सरसाइज में वो काम देगा। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पे बता रहे हैं कि साइन वाला आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके लिए भी ट्रिक है, अब साइन वाला भी याद नहीं करना है। देख लो कि साइन वाला हम लोग को क्यों नहीं बोला जा रहा याद करने के लिए, साइन वाला का रूल ये बोलता है, सिर्फ साइन वाला का, क्योंकि अभी हम क्या बोले कि साइन वाला जो है याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि अब साइन वाला भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देख लो सिर्फ साइन के लिए रूल है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको करना क्या है, साइन के लिए रूल है, किसके लिए, साइन के लिए, ये स्पेशल साइन थीटा का रूल है, तो आप याद कर सकते हैं कि कितना के कितना मान होता है। सबसे पहले आपको जीरो, हम बताया ना कि कौन इतना ही होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री के कोई आपसे नहीं पूछेगा, जान गए कि 10th क्लास में पढ़ता है तो कोई नहीं पूछेगा कि 10 55 बताओ, तो 10 50 बताओ, ये हो पे नहीं करता है, कहाँ कहाँ होता है भाई, तो 0 होता है, 30 होता है, 45 60 और 90, ठीक। अच्छा अब 0 30 45 60 90 आपको क्या करना होगा कि 0 से शुरू करना होगा गिनती, 0 1 2 3 4 लिख देना होगा, सब में जो है आपको 4 से भाग करना है, सब में 4 से भाग कर दीजिए, सब में 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है, और सब के ऊपर वर्गमूल चढ़ा दीजिए, वर्गमूल, वर्गमूल चढ़ा दीजिए, अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 और ऊपर 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ऊपर 2 का वर्गमूल, 2 का नहीं सॉरी कट जाएगा, 2 दूनी के 4 नहीं कट जाएगा, अंदर में रूट के अंदर कट गया, 2 दूनी का 4, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे √2 का √2 ही रहेगा। अभी 3 का रूट, तो 3 का रूट नहीं निकलता है तो छोड़ दिए, नीचे 4 का रूट निकलता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, अभी वाला देखिए 4 से 4 एक बार में कट गया और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को पता हो गया कि साइन में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन में 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 में √3/2, साइन 90 में 1। अब ये सिर्फ और सिर्फ साइन वाला याद करने का रूल है, और जब कोस लिखना है तो वही वाला तरीका, पुराना तरीका, बस इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, टेन निकालना है
आप भागा कर दीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में आपको हम एक टेबल को दिखाएं और आपको याद करने का कुछ ट्रिक भी बताएं। तो आपको क्या करना है आज की क्लास में, इन चीजों को पूरा तरीके से रट जाना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और जब याद रहेगा फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।